राजीव, क्योंकि आप राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा। 2002 के दंगों के दौरान उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बयान दिया था, राजधर्म। तो मैं उस दौर की तरफ तो नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि मौजूदा आज राजनीतिक दल हैं, क्या जो उनका धर्म है वो निभा रहे हैं? उस वक्त उन्होंने कहा था कि राजा को अपना धर्म निभाना चाहिए, जनता और जनता में भेद नहीं करना चाहिए, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आपको नजर आ रहा है जो इस वक्त देश की मौजूदा राजनीतियां, आप हिमाचल भी गए थे, आप दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में कवर कर रहे हैं, इस वक्त जो देश में राजनीति चल रही है, आपको लग रहा है तमाम पार्टियां वो धर्म निभा रही हैं, विकास का, आम आदमी के मूल मुद्दों का? देखिए रवि, आपने बहुत बड़ा व्यापक और बड़ा विस्तार वाला सवाल पूछ दिया। देश किसी भी राजनीति में, और जहां वोटों की राजनीति है, जहां लोकतंत्र है, वहां जनता जिसको चुनती है उसकी सरकार बनती है और वो अपने नीतियों और विचारों का क्रियान्वयन करता है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से ही उसकी अपनी एक विचारधारा है और वो कोई छुपी विचारधारा नहीं है। जब उनके दो पार्षद म्यूनिसपैलिटी में नहीं जीतते थे तब भी वो राम मंदिर को अपना एजेंडा बताते थे, तब भी वो 370 को अपना एजेंडा बताते थे, तब भी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना एजेंडा बताते थे। पहली बार उनकी सरकार बनी, उन्होंने इससे उस तरह की छेड़छाड़ कोई नहीं की, लेकिन जब दोबारा जनता ने उनको केंद्रीय स्तर पर चुना और पीछे से ज़्यादा वोटों से चुना, तो उन्होंने बिना देरी किए 370 को 3 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया। ये उनका छुपा एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा है और जनता का समर्थन लोकतंत्र में उनको मिला है। अब जहाँ तक राजनीति हिंदू और मुसलमान की आप कर रहे हैं, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से, मैं राजीव जेटली की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप जो है गमले में सजाने के लिए, गमला अकेले हो तो उसकी कोई खूबसूरती नहीं है, गुलदस्ता बगिया हो और हर रंग का गमला हो, हर रंग का फूल हो, गुलदस्ते में हर रंग का फूल हो, उसमें महक भी हो, उसमें सफ़ेद भी हो, पीला भी हो, लाल भी हो, हरा हो, तो गुलदस्ता वही खूबसूरत माना जाता है। एक रंग के गुलदस्ते में कोई मज़ा नहीं है और लोकतंत्र भी एक गुलदस्ता है। दूसरी बात, आप किसी भी तबके का विकास बिना प्रतिनिधित्व दिए नहीं कर सकते। आप ये कह नहीं सकते कि आप बैठे रहो, मैं आपका इंतज़ाम कर रहा हूँ। आपको उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसको आपको सहभागिता करनी पड़ती है। देश के 20 करोड़ मुसलमानों के कंधे पर हाथ रख के भारतीय जनता पार्टी भले सहलाती रहे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसमें कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, उसके 300 अगर MP जीतते हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जब भारत के सबसे बड़े, उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी में जब आप टिकट, चुनावी टिकट का बंटवारा करते हैं, तो जानबूझ के या अनजाने में या जीत की प्रायिकता देख करके मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ का बयान बिल्कुल ठीक है कि उनका मुसलमानों से रिश्ता वही है जो मुसलमानों का उनसे है। तो फिर आप जब ऐसे जाते हैं, फिर आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, तब जब कोई आदमी किसी सदन का सदस्य मुसलमान नहीं है, तो फिर उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को सिंबॉलिक तौर पर मंत्री क्यों बनाते हैं? पिछली बार भी दोनों सदनों का जो सदस्य मुसलमान नहीं था, उसको आपने उठा करके मंत्री पद की पहले दिन शपथ दिलाई, और इस बार भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक मुस्लिम को शपथ क्यों दिलाई, अगर आप गमले का फूल रखना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है और मुसलमानों के दिमाग में ये सवाल रहता है। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए रवि, अगर आप लोकतंत्र की दुनिया के इतिहास को देखेंगे, जहाँ चुनावी राजनीति हुई, जहाँ वोटों की राजनीति हुई, तो एक पैटर्न चलता है जो 30-40 साल तक चलता है, 30-40 साल तक। अगर आप मंडल आयोग देखें, तो मंडल आयोग के बाद के 20-25 साल बैकवर्ड पॉलिटिक्स के देश में चले, जातिवाद की राजनीति देश में चली, और देश के कम से कम उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में जातिवाद की राजनीति चली। लेकिन एक ही साथ जब मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी, कमंडल मंडल को पराजित करने में उसके 20-25 साल लग गए, लेकिन अब कमंडल मंडल पे भारी है और कमंडल की राजनीति के, मुझे लगता है कि 20-25 साल का चक्र
चलेगा जो चल रहा है। और पहले भी बहुत सारे विचारकों ने ये बात कही है कि लोकतंत्र में जब जब जाति की राजनीति की जाएगी तब एक दिन धर्म की राजनीति उसे परास्त करेगी। 85-15 का नारा एक बार बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए लगा था, 85-15 का नारा अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए लगा है। इस वक्त का दौर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की राजनीति का चल रहा है, मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की। ठीक ठीक, मैं ये इससे पहले कि मैं जेटली जी रिस्पॉन्ड करूं, उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय से भी ये सवाल कर लेता हूं कि हो सकता है आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रहा है, लेकिन इस देश में धर्म से पहले, जैसे राजीव जी भी कह रहे थे कि मंडल की राजनीति या जाति की राजनीति, उसके जरिए अगर किसी ने राजनीतिक सत्ता हासिल की है तो वो कांग्रेस है, तमाम क्षेत्रीय दल हैं। तो पहले तो आपने ही किया था ना समाज का वर्गीकरण, आपने जाति में वर्गीकरण किया, शूद्र वैश्य इस तरह से छोटी बड़ी जातियों में बांटा, फिर बीजेपी आई उसने धर्मों के आधार पर बांटा। तो ये शुरुआत तो आपसे हुई थी ना, आपका तरीका जाति के आधार पर है लोगों को बांटने का। जी राजीव जी, रिस्पॉन्ड। रवि जी, मुझे आश्चर्य लग रहा है राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की बात की जा रही है। मैं एक बात बोलना चाह रहा था रवि जी। जी, एक बात बोलना चाह रहा था। जी जी बोलिए। मैं रवि एक बात बोलना चाह रहा था, कांग्रेस को मंडल से जोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं जाति से जोड़ना जरूर कहूंगा कि मंडल आयोग का गठन कांग्रेस की सरकार, दूसरी सुनिए, और दूसरी बात जाति से भी, क्योंकि कांग्रेस ने उससे आगे जाकर राजनीति की थी। कांग्रेस ने दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ की राजनीति की थी, और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। इस तरह के बयान भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वर्तमान राजनीति या उनके उत्कर्ष के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पलट करके बीजेपी का वक्त आया है, लेकिन आप केवल बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। मैं इसलिए भी उनको थोड़ा कम जिम्मेदार मानता हूं क्योंकि मैं 1952-53 से लेकर के अब तक के इतिहास को देखता हूं कि अपनी विचारधारा पर वो कायम रहे। उन्होंने 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर को लेट जोड़ा, लेकिन वो अपनी उस मान्यता पर एक निशान, जो वो कश्मीर के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के बारे में जो स्टैंड लिया उसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। तो ये उनकी विचारधारा है और उसको जनता का समर्थन मिला है, लेकिन इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें और पूर्ववर्ती पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। अगर आज जो राजनीति हो रही है और पहले की बातों का अब जवाब मिल रहा है। अजय ठीक है, अजय उपाध्याय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। शाह बानो का केस मुझे याद है, मंदिर के तुलवाने, मंदिर के ताले खुलवाए गए थे, ये शुरुआत तो आपने भी की थी। रवि जी, जो प्रश्न आपने किया है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीयता के भाव से देश में जो विविधता में एकता है उस भाव को और राष्ट्र एकता के भाव को लेकर के सदैव चली। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या उसके बाद की बात करें, हाँ सच्चाई समाज में जरूर रही है। धर्म और जाति का ये सच्चाई सामाजिक लेवल पर है और याद से नहीं, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों है, ये हजारों वर्षों से है। लेकिन हमने प्रयास किया कि उन सबको कैसे एक तरह से संतुलित किया जाए, एक तरह से जोड़ा जाए और सभी धर्म और सभी जाति के लोगों का कैसे उत्तरोत्तर विकास हो और विकास के परिधि में जो राजनीतिक सहभागिता है वो भी उनको मिले। जब तक राजनीतिक सहभागिता नहीं मिलेगी तब तक उनका जो है उचित जो है राजनीतिक चेतना नहीं जगेगी। और उससे अजय जी यही तो सवाल उठा रहे हैं ना कि जो भी पार्टी जिस भी वर्ग की राजनीति करती है, अगर कोई दलितों की राजनीति करती है तो दलितों का हाल वही है, अगर कोई मुस्लिमों की राजनीति के नाम पर सत्ता हासिल करती है तो मुस्लिमों का क्या हाल है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनका भी वही हाल है। हम कह रहे हैं सिर्फ राजनीति हो रही है, वर्गों का उत्थान नहीं हो रहा है। रवि जी नहीं, रवि जी राजनीति एक प्रक्रिया है उत्थान का, नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ अधिनायकवाद आ जाए, क्या यहाँ चुनाव नहीं हो, क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं रहे? लोकतंत्र राजनीति का केंद्र है, संविधान में है ये। मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मानना है लोकतंत्र में आम नागरिक देश का नागरिक रहे, वो हिंदू हो ना मुसलमान हो ना वो शेड्यूल कास्ट हो ना वो ठाकुर हो ना ब्राह्मण हो, इस देश का आम आदमी एक आम आदमी रहे, एक आम नागरिक के तौर पे विकास हो। ये जो बांटने की राजनीति होती है, मेरा सवाल उसी पे है। महत्वपूर्ण है आम आदमी ही महत्वपूर्ण है देश में, लोकतंत्र में नागरिक ही महत्वपूर्ण है और सारी राजनीति उन्हीं के केंद्र में होनी चाहिए। लेकिन ये अपने सियासत के लिए आप तोड़ने की राजनीति नहीं करें, आप नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करें, आप हिंसा की राजनीति नहीं करें, आप सियासत के लिए इस हद तक नहीं जाएं जहां ठीक है, संविधान आपको इजाजत नहीं देता है। संवैधानिक दायरे में रह करके ये बात होनी चाहिए
हमने ठीक कभी मैं मेरे पास 20-20 सेकंड बचे हैं। जेटली जी आप रिस्पॉन्ड करेंगे। में सभी धर्म के लोग आते हैं। सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, भाई बहुत सरल भाषा में। ठीक है अजय जी, 20 सेकंड भूपेंद्र, 20 सेकंड जेटली जी। मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्होंने जिस तरीके की राजनीति करी उसे कहा जा सकता है कि इन्होंने हर मुद्दे को अंडर द कार्पेट डाला और नीचे खटमल पैदा हो गए, कार्पेट छलनी छलनी हो गया, ये उसके ऊपर चलते चले गए और इन्हें पता नहीं चला कि जनता ने देखना शुरू कर दिया है कि हमारे अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है। अक्रॉस द धर्म, अक्रॉस द जातियां, सबको लूटा गया, सबको ठगा गया और इस तरीके से एक राजनीति चलाई गई। और आज जिसे कहते हैं ना पारदर्शिता के साथ, जिस जिसके पास जो अधिकार जाने चाहिए वो पारदर्शिता के साथ वो अधिकार उनके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं कार्यकर्ता हूं। समय की कमी है। भूपेंद्र, आप आखिर में रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये तमाम मुद्दे जो अब गुजरात की राजनीति के आखिरी ओवर में दिख रहे हैं, उनका कोई असर आपको जमीनी स्तर पे दिख रहा है? 20 सेकंड। देखिए, जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवारों का चयन होता है वहां से अगर इस तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और यहां पर जिस जगह पर ये सभा थी, जहां से ये तमाम चीजें निकली हैं, नरोड़ा पाटिया जो दंगों के लिए सबसे अहम जगह थी, एक एपिक पॉइंट था, जुहापुरा जहां पर बहुत सारे पीड़ित दंगा में जाके बसे हुए हैं, दोनों ऐसी जगहों से ये बयान निकल कर आए। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बयान निकलते हैं तो वो एक निशाने पर साधे जाते हैं, वो उस निशाने पर जाकर लगता है या नहीं लगता है ये मतदान के दिन पता चलता है, लेकिन एक निशाना साधा जरूर जाता है, एक पर्पस जरूर होता है, एक मकसद जरूर होता है, और उसी को सार्थक करने के लिए ये तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं। चुनाव में मत, वोट जो है, वो जीत जो है, वो मायने रखती है। किस तरह से मिल रही है, किन बयानों के आधार पर मिल रही है, किन मुद्दों के आधार पर मिल रही है, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम पार्टियां ये चाहती हैं, चाहे वो लक्ष्मी गणेश के बहाने पर हो, चाहे मुफ्त की रेवड़ी के बहाने पर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के बहाने हो, लेकिन जीत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, तमाम मेहमानों का, राजीव जी, अजय जी, आशुतोष जी और राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।